हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स होम। आज इस वीडियो में हमने लिया है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम 11 बाय एक्स माइनस 7 बाय वाई इक्वल 1 एंड 9 बाय एक्स माइनस 4 बाय वाई इक्वल 6। इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले 1 बाय एक्स को हमने सपोज किया u, हम कोई भी ये ले सकते हैं, a और b भी सपोज कर सकते हैं, और 1 बाय y को सपोज किया v। तो 11 बाय x को हम लिख सकते हैं 11u, क्योंकि 11 बाय x मीन्स 11 मल्टीप्लाई 1 बाय x। तो 1 बाय x को हमने सपोज कर लिया u, तो 11u। इसी तरह से 7 बाय y मीन्स 7 मल्टीप्लाई 1 बाय y। 1 बाय वाई को हमने सपोज किया है v। सो अब हमारी न्यू इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई है आफ्टर अजम्पशन दैट इज 11u माइनस 7v इक्वल 1 एंड 9u माइनस 4v इक्वल 6। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम कोई भी एक टर्म को इक्वल करेंगे u और v। यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, राइट? हमें u को इक्वल करना है। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। क्यों? क्योंकि इसे हम 9 से करेंगे तो ये होगा 99u, और 11 से करेंगे तो ये भी होगा 99u। तो 9 का मल्टीप्लाई 11 में और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ सेकेंड में। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन तो 11 मल्टीप्लाई विद 9 99u माइनस 9 से फिर हम इसमें भी करेंगे 9 7 जा 63v और 9 1 जा 9। सिमिलरली 11 से कर रहे हैं तो 99u माइनस 4 से हम 11 में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 11 44v और 11 को हम 6 में भी करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को हमने 9 से किया तो पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को 11 से किया तो पूरे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज, यहाँ का कोई साइन नहीं है इट मीन्स प्लस, तो ये हमारा होगा माइनस में। यहाँ माइनस साइन है तो ये हमारा चेंज हो गया प्लस में, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो हमारा चेंज हुआ माइनस में। अब 99 कैंसिल आउट, माइनस 63 और प्लस का 44, क्योंकि साइन ये हमारा चेंज हो चुका है। तो एक साइन है माइनस और एक साइन है प्लस, तो एक अगर माइनस है और एक प्लस है तो वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 63 में से 44 माइनस तो 19v। अब माइनस का टर्म हमारा ग्रेटर है तो साइन कौन सा होगा? माइनस। जो साइन ग्रेटर है वही साइन आएगा, और यहाँ 9 के आगे कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस साइन, और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस। तो 66 में से 9 माइनस 57। अब साइन कौन सा आएगा? क्योंकि माइनस की टर्म ग्रेटर है, क्योंकि आप 66 जो है वो माइनस का चेंज हो गया है, तो साइन हमारा होगा माइनस। तो माइनस 19v इक्वल माइनस 57। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू माइनस 57 डिवाइडेड बाय माइनस 19। 19 और 57, 19 के टेबल में 57 क्या है? 93 का 57, v की वैल्यू हो गई 3। अब v की वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई है, अब हम सॉल्व करेंगे u की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम v की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो किसी भी इक्वेशन में तो हमने ले ली सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 9u माइनस 4v इक्वल 6,
और वी के प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं 3, तो 9u माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6, तो 9u माइनस 12 इक्वल 6, माइनस का 12 उधर शिफ्ट करेंगे, चेंज होगा प्लस में, तो 6 प्लस 12, तो 9u इक्वल 18, और u इक्वल 18 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 2, तो u की वैल्यू आ गई है 2 और v की वैल्यू आ गई है 3, लेकिन इक्वेशन हमारी x और y की फॉर्म में है। अब हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी, u की वैल्यू है 2 और v हमारा सॉल्व होकर आया है 3, बट u हमने सपोज किया था 1/x को, 1/x को u सपोज किया था। नाउ वी कैन राइट एज, यहाँ कोई नंबर नहीं है, हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल 1, तो x की वैल्यू 1/2 फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली y, v इज इक्वल टू 3, v हमने सपोज किया था 1/y को, 1/y इक्वल 3, कोई नंबर नहीं है, हम ले सकते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल 1/3, तो फाइनल आंसर x इक्वल 1/2 एंड y इक्वल 1/3।